हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। ओके, सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, एंड आप लोगों के सपोर्ट से ही ये हो पाया है कि मैं एक और सेशन लेकर आ रहा हूँ QA/QC का, फ्री एडवांस QA/QC। ओके, सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री थिंग्स इन दिस वीडियो। नंबर वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA/QC इंजीनियर, एंड नंबर टू इज ड्यूटीज ऑफ QA/QC इंजीनियर, एंड नंबर थ्री इज स्कोप ऑफ QA/QC इंजीनियर। तो बेसिकली आज हम तीन पर बात करने वाले हैं, सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ QA/QC इंजीनियर। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली होता क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज नथिंग बट दैट आर योर प्राइमरी responsibilities or primary activities or duties that you have to do or else that particular designation have. जैसे कि example मैं आपको बताता हूँ, responsibilities के अंदर आपको बहुत सारी responsibilities आ जाती है। number one QA/QC engineer, number two QA/QC manager, number three QA/QC supervisor, number four QA/QC inspector, number five QA/QC lab technician. So ऐसा following on आपको हर एक ग्रेड के साथ में हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब चलते हैं नंबर टू यानी ड्यूटीज की तरफ में। व्हाट आर द ड्यूटीज, ड्यूटीज किसे कहते हैं हम? ड्यूटीज आर नथिंग बट आपको किसी भी सूरत में इस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जब आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू आर गोइंग फॉर QA/QC इंजीनियर, वेन यू आर गोइंग टू फॉर ए QA/QC इंजीनियर पोस्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज पर्टिकुलरली गिवन टू अ डेजिग्नेशन। आप पहले ये समझिए, QA/QC इंजीनियर एक डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। अब जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डेजिग्नेशन पे आप जाएंगे तो आपको क्या ड्यूटीज करनी होती है, वहां पे आपको क्या करना होता है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटीज। तो इसके अंदर आपको आपका डेली वर्क शेड्यूल आ गया, आपको डेली एक्टिविटीज आ गए, डेली ट्रैकिंग मेथोडोलॉजी आपको डिसाइड करनी होती है, आपको यहाँ पे वेरियस चेक पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं, वेरियस माइलस्टोन्स बनाने होते हैं, वेरियस मेथडोलॉजीज को आपको अप्रूव करना होता है, रिव्यू करना होता है, आपको उसे रिकमेंड करना होता है क्लाइंट को या फिर जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको। सो दिस ऑल कम्स अंडर योर ड्यूटीज। सो नाउ यू गॉट माई पॉइंट ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट, दैट इज फॉर QC मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, एंड कमिंग टूवर्ड्स ड्यूटीज, ड्यूटीज आर नथिंग बट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल परफॉर्म अंडर दैट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस ये है, ये पहले आप समझ लीजिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, स्कोप ऑफ QA/QC इंजीनियर। अब एक प्रोजेक्ट में QA/QC का स्कोप क्या होता है, वट इज द स्कोप ऑफ QA/QC इंजीनियर इन ए प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली? तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पैकेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप इनिशिएट करते हो प्रोजेक्ट को, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर आता है कंस्ट्रक्शन पीरियड में। कुछ कंपनीज और कुछ क्लाइंट्स का डिमांड होता है कि हमें प्री कंस्ट्रक्शन में भी चाहिए, बट यूजुअली दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन फेज। तो हियर इन दिस कंस्ट्रक्शन फेज इट गोज अप टू दी लास्ट यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सो कमिंग टुवर्ड्स स्कोप, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, स्कोप, स्कोप इज नथिंग बट वाई और व्हाट ही इज गोइंग टू डू, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वेयर ही इज गोइंग टू डू एंड व्हेन ही इज गोइंग टू डू, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्कोप। सो स्कोप को कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ यू विल डिसाइड दिस स्कोप? सो बेसिकली स्कोप इज बींग यू नो कैरिड आउट पर्टिकुलर स्लॉट। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको सिविल, MEP, फसाड, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, लैंडस्केपिंग, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन में हैंडल करने होते हैं। लेकिन इन पैकेजेस में QA और QC इंजीनियर का क्या स्कोप होता है, दिस इज वेरी लिमिटेड आई एम टेलिंग यू एज ए QC इंजीनियर। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप, स्कोप इन द सेंस आप वहां पे क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन में आप जाते हो, सिविल के अंदर बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर QC इंजीनियर का अलग स्कोप होता है, मैकेनिकल के अंदर अलग स्कोप होता है, फायर फाइटिंग में अलग स्कोप होता है, बट अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो QC इंजीनियर शुड परफॉर्म ऑल द सिविल रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम द डे वन।
अब यहाँ पे जो सिविल QA/QC होता है उसको लिमिटेड होना होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हद तक, उसके आगे नहीं जाएगा, इट विल बी हिज लिमिट्स। देन अगेन इलेक्ट्रिकल QC आएगा, फिर मैकेनिकल QC आएगा, उसका अपना स्कोप होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक पैकेज को एक एक QC हैंडल करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि कंस्ट्रक्शन पैकेज में एंटायर कंस्ट्रक्शन इज टेकन केयर बाय ए QC। नो, कंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेजेस होते हैं, दैट पैकेजेस डिस्क्राइब्स योर स्कोप। सो दिस इज अ डीवी दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द स्कोप दैट यू हैव टू फॉलो एज ए QC इंजीनियर और ए QC मैनेजर और एज ए QC कंसल्टेंट। अभी अगर मैं आपको फिर से फ्रेमवर्क करके बता दूं मेरे तीनों पॉइंट्स का, यानी व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज द स्कोप। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट इट्स व्हाट इज ए पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। सेकेंड कम्स द ड्यूटीज, ड्यूटीज इज नथिंग बट इन दैट डेजिग्नेशन व्हाट ड्यूटीज यू हैव टू डू। एंड कमिंग टूवर्ड्स द स्कोप, स्कोप इज नथिंग बट यू आर ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर पैकेज फ्रॉम दैट यू हैव टू यू नो डिप्यूट ऑल ऑफ योर रिसोर्सेस, ऑल ऑफ योर प्लानिंग। होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज रिक्वेस्ट यू टू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, वील कैच अप ऑन नेक्स्ट डे, डे 3। इन दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूँ मैं आपको। सो ऐसे ही हम लोग वी आर गोइंग टू कवर दैट सिलेबस, एंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। एंड डेफिनेटली यू विल बी यू नो गेटिंग ए वेरी गुड नॉलेज वंस यू कंप्लीट दिस QA/QC, यू विल बी फिट टू गेट दैट। एज आई सेड, इफ यू रिक्वायर्ड नोट्स, सर्टिफिकेट और दी स्टडी मटेरियल, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली यू कैन यू नो टेक्स्ट मी, डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी, सो दैट आई कैन यू नो गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू QA/QC। सो दैट्स ऑल इन वी दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।